देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है रशियन सैलेड। इसमें हमने पूरी न्यूट्रिशंस डाली हैं, पूरे फ्रूट्स हैं, सब्जी हैं, हर चीज़ इसमें खूब सारी है। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या सब्जी इस्तेमाल करी और क्या क्या फ्रूट्स डाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रशियन सैलेड। मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं रशियन सैलेड। सर्दियों में सब्जियां तकरीबन सभी मिलती हैं और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये सैलेड। तो ये मैंने एक गाजर काटी है और ये हैं बीन्स। इनको मैं इन्हें हमने उबालना नहीं है, गलाना नहीं है, मतलब उबालना है लेकिन गलाना नहीं। तो इनको मैं कुकर में स्टीम दूंगी, केवल इनको मैं उबालूंगी नहीं। उबालूंगी से मतलब गलाऊंगी नहीं, केवल एक स्टीम दूंगी। तो चलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ और इन्हें स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। देखिए स्टीम करने का तरीका ये है कि हम जैसे ही कुकर में ये आपको दिख रहा होगा पानी पानी ये आने लगा, बस हमें गैस को बंद कर देना है। हमें अपनी गाजर और बीन्स गलानी नहीं है, हमें केवल स्टीम करनी है जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, खाने में क्रंच बना रहे। तो स्टीम देने का यही तरीका है, बस कुकर की सीटी नहीं आए। जैसे ही स्टीम बनने लगे, आपको साइडों में पानी दिखने लगे, आप फ्लेम बंद कर दीजिए या फिर आप खुले बर्तन में भगोने में किसी में उबालिए जिससे कि आसानी से निकाल दे। अब मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। गाजर और बीन्स उबल गई। ये मैंने एक कटोरी हरी मटर ली है और ये हैं स्वीट कॉर्न्स, ये इनको मैं उबाल लेती हूँ। एक ही कटोरी मटर और एक कटोरी स्वीट कॉर्न्स लिए हैं। अब मैं इनको दो सीटी दे दूंगी, क्योंकि मैंने साथ में इसलिए नहीं उबाले कि हर चीज़ का अपना बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इस वजह से। अब मैं इनको हल्क दो सीटी देके उबाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे मटर और बीन अच्छे से उबल गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से, और मटर भी हमारे गल गए हैं। अब मैं इनको स्ट्रेन आउट कर लेती हूँ। ये देखिए ये मैंने मटर और कॉर्न्स अच्छे से उबाल के और स्ट्रेन कर लिए, और ये देखिए ये गाजर और बीन्स। चलिए अब हम अपनी आगे की तैयारी करते हैं, इनको मिला लेते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर कलरफुल हमारा सलाद बनेगा और हेल्दी भी है, और जो लोग वेट लॉस के लिए अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, टेस्टी और हेल्दी है। तो चलिए इसकी आगे की तैयारी करते हैं। अब अपने सलाद के लिए हम ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ली है क्रीम अमूल की, दो चम्मच मैंने ये क्रीम ली है, और इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, दो चम्मच ही मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज डालने से बहुत क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, और दो चम्मच पिसी चीनी, सॉल्ट, ये मैंने काले वाला लिया थोड़ा सा, और ये चाट मसाला, काली मिर्च और थोड़ी सी ओरिगैनो अगर आपके पास हैं तो। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोग इस तरह का सलाद बनाते हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा है और टेस्टी भी, अच्छा भी, हेल्दी भी, सभी तरह की न्यूट्रिशन है इसमें। ये जो हमने बीन्स, गाजर ये सब करे थे, बॉयल करे थे, ये डाल देते हैं। ये एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया, ये अदरक हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप कर ली मैंने, ये एक प्याज जो मैंने चॉप कर लिया, एक सेव जो मैंने बिना छीले काटा है, बॉल छोटा है मैं बड़ा लेती हूँ उसमें मिक्स करती हूँ, ये मैं बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ सब चीज़ों को, और ये अनानास, कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं अच्छे से। फ्रूट सालसा आता है बाज़ार से बना बनाया, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्रेश फ्रूट्स काटे हैं सारे। ये अनार,
और इसको मिक्स करेंगे। इसमें ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बस लिपट जाए हल्का हल्का, इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग हो जाती है तो ये खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता। देखिए हमारा सैलेड बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, हेल्दी सैलेड, रशियन सैलेड, और हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली जो हमारी सेहत के लिए अच्छी ना हो। इसे आप एक बॉल भर के खाइए, आपका लंच में बहुत सहारा लगेगा। आप दो रोटी खाते हैं तो आप एक भी ठीक से नहीं खा पाएंगे, और इसमें पूरे न्यूट्रिशंस हैं, हमने सारे फ्रूट्स डाले हैं इसमें, सब्जियां डाली हैं, पूरे न्यूट्रिशंस हैं इसमें। देखिए कितना बढ़िया हमारा सैलेड तैयार हुआ है। आप इसमें थोड़ी खटास पसंद करते हैं तो इसमें आप नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं आधा, लेकिन मैं इसमें नींबू नहीं निचोड़ती हूँ, मैं इसको ऐसे ही सर्व करती हूँ। क्रीम और मेयोनीज डालने से बहुत अच्छी क्रीमीनेस आती है। और हरा धनिया फ्रेश इसमें अच्छे से डालिए भर के। मेरी अभी सब्जी आई नहीं है तो हरा धनिया इस समय मेरे पास फ्रेश नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। सूखा हुआ है लेकिन वो मैं डाल नहीं रही हूँ। फ्रूट आप इसमें खूब अच्छे से डाल सकते हैं, मैंने सब फ्रूट फ्रेश काट के डाले हैं। आप चाहें तो फ्रूट सालसा मिलता बाजार से, आप उसको भी डाल सकते हैं। मैं एक चेरी से, होप आपको मेरी ये सैलेड की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।